जब काशी की धरा पर पीएम मोदी ने छुए थे प्रकाश सिंह के पांव, वायरल हुई थी ये तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से दूसरी बार नामांकन कर जीत दर्ज की थी। प्रधानमंत्री के नामांकन के बाद प्रकाश सिंह बादल ने एक न्यूज एजेंसी से बात की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच की चुनावी लड़ाई की तुलना हाथी और चींटी से की थी। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया। दिग्गज राजनेता के निधन से देश के सियासी गलियारों में शोक की लहर व्याप्त है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के लिए प्रकाश सिंह बादल वाराणसी आए थे। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री ने प्रकाश सिंह बादल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। राजनीति की इस खूबसूरत तस्वीर ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से दूसरी बार नामांकन कर जीत दर्ज की थी। प्रधानमंत्री के नामांकन के बाद प्रकाश सिंह बादल ने एक न्यूज एजेंसी से बात की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच की चुनावी लड़ाई की तुलना हाथी और चींटी से की थी। कहा था कि दोनों में बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा था कि भारत के लोगों को यह सोचने की जरूरत है कि वे अपने प्रधानमंत्री के रूप में किसे चाहते हैं। मोदी और राहुल की लड़ाई हाथी और चींटी की लड़ाई जैसी होगी, यही दोनों के बीच अंतर की सीमा होगी। भाजपा से गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा था कि शिरोमणि अकाली दल भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक है। हमारा भाजपा से राजनीतिक नहीं बल्कि शुद्ध संबंध है। हम अतीत में भाजपा को समर्थन देने वाले पहले व्यक्ति थे। आने वाले वर्षों में भी ऐसा करना जारी रखेंगे।